नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बालूमाथ के कोयला व्यापारी मोहम्मद जहीर का अपहरण कर चाकू से हमला करने और उनकी ब्रेजा गाड़ी लेकर भागने वाले दो अपराधियों को पिपरवार पुलिस ने जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया है। घटना 4 जनवरी की है। बालूमाथ के कोयला व्यापारी मोहम्मद जहीर मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल के दो कोयला व्यापारियों को कोयला दिखाने पूर्णा डी कोयला खदान पहुंचे थे। इस दौरान पश्चिम बंगाल के दोनों कोयला व्यापारी ने मोहम्मद जहीर के गले में रस्सी बांधकर उन्हें गाड़ी से उतारा और चाकू से हमला किया, जिसके बाद घायल अवस्था में मोहम्मद जहीर को वहीं छोड़कर उनकी ब्रेजा गाड़ी लेकर भाग निकले। घायल कोयला व्यापारी मोहम्मद जहीर के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी में लगे जीपीएस की मदद से उन्हें जमशेदपुर से गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत पिपरवार थाना में डीएसपी शंभु कुमार सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई और अपराधियों को जेल भेजा गया। दिनांक 4 जनवरी 2023 को पिपरवार थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का अपहरण किया गया है और अपहरण करने के उपरांत उसकी गाड़ी को ब्रेजा गाड़ी जो है जिसका नंबर J01EQ3974 है उसकी लूट की घटना की गई। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी एवं थाना के अन्य पदाधिकारियों के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। जिनके साथ ये घटना घटित थी उनका बयान दर्ज किया गया। उनके बयान दर्ज करने के आधार पर पिपरवार थाना कांड संख्या 4/23 और लूट के कांड में ये कांड प्रतिवेदित हुआ। तत्क्षण इस संबंध में उद्भेदन हेतु टेक्निकल सहयोग लेते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि वह जो अपराधकर्मी है गाड़ी को लूटने के बाद बंगाल की तरफ भागा है। तत्काल सभी जो सीमावर्ती जिला हैं उनको वहां पर चेकिंग लगाई गई। अग्रतर अनुसंधान क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि यह गाड़ी जो है जमशेदपुर की तरफ जा रही है। हमारी टीम इधर से चेस करते हुए आगे बढ़ी और जमशेदपुर पुलिस के सहयोग से इसको हम लोग बरसोल के पास जो है इंटरसेप्ट करें, जिसमें कि दोनों अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई और जो लूटा हुआ ब्रेजा गाड़ी था उसको बरामद कर लिया गया है। उनको वहां से लाया गया, आज इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस कांड का उद्भेदन पिपरवार पुलिस के द्वारा घटना घटित होने के 8 घंटे के अंदर उद्भेदित कर लिया गया था। अभी तक जो अनुसंधान में बात प्रकाश में आई है कि ये जो वादी हैं ये कोयले का काम करते हैं और इसी क्रम में इनके साथ ये घटना घटी है। अन्य बिंदुओं पर भी अनुसंधान हम लोग करें, शीघ्र ही इन लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया। गिरफ्तार अपराधियों का कुछ आपराधिक इतिहास रहा है? अभी तक ये चूंकि रहने वाले दोनों मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल के हैं तो अभी तक इन लोगों ने ऐसा कोई कन्फ्यूशन नहीं बताया है कि जिसमें कि आपराधिक इतिहास की बात है, परंतु ये अग्रतर अनुसंधान में हम लोग वहाँ जाकर इसका सत्यापन करेंगे कि इनका क्या एंटीसीडेंट है, किस तरह के ये व्यक्ति हैं, और अनुसंधान में जो तथ्य आएगा उसके आधार पर हम लोग आरोप पत्र समर्पित करेंगे। घटनास्थल कहाँ पर है सर? जहाँ ये पूर्णा डी के पास, एक्चुअली ये पहले ये लोग बालूमाथ क्षेत्र में मिले, उसके बाद पूर्णा डी में आए, वहाँ पर इनके साथ घटना घटित हुई है। वो घटना असल पूर्णा डी कोल माइंस एरिया में। कोल माइंस एरिया में। वी टाइम न्यूज़ के लिए खलारी से मनोज प्रसाद की रिपोर्ट।